रामायण के अस्तित्व को लेकर अक्सर बहस होती है। कुछ लोग इसे काल्पनिक रचना मानते हैं तो कुछ इसे इतिहास का एक विश्वसनीय दस्तावेज बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके कुछ ऐसे अटल साक्ष्य हैं जिसे देखकर आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि रामायण एक महज काल्पनिक साहित्यिक है या फिर एक विश्वसनीय दस्तावेज। तो चलिए जानते हैं रामायण को विश्वसनीय दस्तावेज बनाने वाले कुछ अटल साक्ष्य। रावण का महल। लंकापति रावण के महल का अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी राजनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर ये कहने लगे थे कि जब शिवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितने ताकतवर होंगे। सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में ठहरे थे वह गुफा भी आज मौजूद है। इस कांदरा में सुग्रीव बाली के डर से छुपे हुए थे। वही रामायण की कहानी के अनुसार वनराज बाली ने दुधम्बी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ योजन दूर फेंक दिया था, जिसके बाद हवा में उड़ते हुए दुधम्बी के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। वही ऋषि ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि ये करतूत किसकी है। इसके बाद क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि यदि वह कभी भी शिवमुख पर्वत के एक योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित कर दिया तो वह इसी पर्वत पर एक कांदरा में अपने मंत्रियों के साथ रहने लगे और यहीं पर उनकी भगवान राम और लक्ष्मण से भेंट हुई और बाद में राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिला दिया। राम सेतु। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के दक्षिणी पूर्व तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील लगभग 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने योग्य था। चक्रवात के कारण यह पुल अब अपने स्वरूप में नहीं रहा। वहीं राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। वहीं समुद्र पर सेतु के निर्माण को राम की दूसरी बड़ी राजनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था। उसे ये विश्वास था कि इस विराट समुद्र को कोई पार करके उसे चुनौती नहीं दे सकता है। रामायण कालीन चार हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने रावण के रामायण कालीन चार हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये कमेटी श्रीलंका का कोना कोना छान रही है, जिसके तहत कोई छुटपुट जानकारी व अवशेष तो मिलते रहते हैं, लेकिन पिछले 4 सालों के अंदर लंका के दुर्गम स्थानों में की गई खोज के दौरान रावण के चार हवाई अड्डे हाथ लगे हैं। अशोक वाटिका। अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता का हरण करने के पश्चात उन्हें बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की इस गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसके बाद इसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या इससे आपको कोई जानकारी मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।